हेलो फ्रेंड, दिस इज संजीत एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा जो विंडोज 10 में अपडेट्स कर रहे हैं और उसमें एरर आ रही है। तो भाई, जो विंडोज 10 यूज करते हैं या यूज करने वाले हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपडेट करने पर एरर क्या आ रही है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। यहाँ पर अपडेट्स में जाएंगे, अपडेट में देख रखते हैं। यहाँ पर योर डिवाइस एट रिस्क, यहाँ पर ये ब्ला ब्ला सब लिखा होगा और उसके बाद आप अपडेट कर रहे होंगे, चेक फॉर अपडेट, और फिर भी यही आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई, पहले तो आप अपना वर्जन चेक करिए। वर्जन चेक करने के लिए आपको दबाना है विंडोज आर। दबाने के बाद आपको टाइप करना है WINVER, ठीक है, ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर, मैं बेसिकली करवा कह रहा हूँ विंडोज का वर्जन चेक करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, वर्जन है 1709 और बिल्ड है 16 यानी कि 0.92। तो यहाँ पर आपको मैं इसकी वेबसाइट पर भी जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, ये देखिए यहाँ पर वर्जन जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, ये देखिए, ये डेट देखिए आप 2018, ठीक है। तो यहाँ पर 1709 मेरा वर्जन तो ठीक है, न्यू वर्जन है। और यहाँ पर जो बिल्ड है भाई, ये नया आ चुका है। और मेरा बिल्ड देखिए आप क्या है, यहाँ पर 192, तो ये अपडेट हो ही नहीं पा रहा वहाँ तक। तो दोस्तों, मैंने माइक्रोसॉफ्ट केयर सेंटर पर कॉल करा था, उन्होंने बताया कि हम लोग एक नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं 1 मई को। तो यहाँ पर वो सीरीज होगी 1803, जो आप देख रहे हैं ये वर्जन है 1709, ये चेंज हो जाएगा 1803, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा 1 मई को। तो ये अपडेट आएगा, तो आपको करना क्या, सिंपली आपको कस्टमर केयर पर कॉल करना है। कॉल करने पर आपको बताना है कि भाई, मुझे ये नई सीरीज जो अभी 1 मई को रिलीज हो रही, वो मुझे चाहिए। तो वो आपका सिस्टम रिमोट लॉगिन लेंगे और जो करना वो बता देंगे आपको। कुछ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम उन लोगों के में आएगी जो जेन्युइन विंडो यूज कर रहे हैं, मतलब कि पायरेटेड नहीं है, जिन्होंने ऑलरेडी खरीद रखी है, ठीक है, लाइसेंस विंडो है जिनके पास, ये भी आपका अपडेट हो सकता है। बट फायदा क्या है आपको, फिर 1 मई को आपको वही कराना पड़ेगा, तो फायदा है नहीं। तो मैंने सोचा कि 1 मई को ही कराऊंगा। तो ये 1 मई को अपडेट आने वाला है, आप लोग अपडेट करवा लीजिए अगर जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो भाई, मुझे लगता है काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो जो भाई विंडोज 10 के यूज़र हैं, उन्हीं के लिए था। और ये जिन लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है, अपडेट कर लीजिए। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी इस सीरीज़ में, इनके लॉगिन प्रॉब्लम और ढेर सारे अपडेट्स की प्रॉब्लम, अपडेट्स नहीं हो पाते थे जो अपडेट्स आते थे। तो इन्होंने कहा कि छोड़ो, इसको हटा ही देते हैं, नई सीरीज लेके आते हैं। तो इन्होंने वर्जन ही चेंज कर दिया। तो अब नया वर्जन आ रहा है, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो दोस्तों, 1 मई को वो अपडेट आएगा, आप अपडेट करवा लीजिएगा कस्टमर केयर पर कॉल करके, सिंपल। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो भाई वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कभी मैं कोई भी वीडियो डालूं आप अपडेट मिस ना कर पाएं। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।